नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी ट्विन फ्लेम्स के ऊपर के ट्विन फ्लेम्स क्यों मिलते हैं एक्सपेंशन के लिए, और उसका एक ही भाई बस मकसद होता है आपके अंदर की इंसानियत को बाहर लाना, आपके अंदर की एम्पैथी को बाहर लाना। एम्पैथी मतलब कि सामने वाला ऐसा क्यों है, इसने ऐसा किया तो क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न आपको तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए ये होती है ये सब। एक्सपेंशन मतलब आपका जो कॉन्शियस लेवल है, सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, इसमें समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, किसी के इमोशंस को समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, गट फीलिंग आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया आपको जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। अब ये जो आज की वीडियो है ये मैंने बनाई है कि थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बताने के लिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप क्या करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये, अपने कोई भी इमोशंस आप सप्रेस ना करें, दबाएं नहीं, ठीक है। मतलब कि जो भी आप फील करें, इवन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर आप अपने ट्विन से हेट भी करते हैं और अगर आपको गुस्सा भी आ रहा कुछ भी है तो उसको बाकायदा एक पेपर पर लिखें, है ना भाई। देखो, सामने डायरेक्ट ट्विन को नहीं बोलना है क्योंकि उनकी भी एक अलग लाइफ है और उनकी लाइफ भी कोई ईजी नहीं है ना। लोग सोचते हैं भैया हमारा ट्विन तो मौज मस्ती कर रहा होगा, मज़े में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्विन की भी लाइफ अलग है और उनके भी अच्छे अच्छे धुरंधर टेस्ट और लेसन हो रहे होंगे, वो भी अपना सब कर्मा फेस कर रहे होंगे, क्लियर कर रहे होंगे, जो भी होना होगा उनकी लाइफ भी मतलब ये है कि स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। इसलिए क्या करना होगा, हमको उतना ही जितना ज़रूरत है उतना ही उनसे बात करनी होगी, अगर आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन ऑन है तो, ठीक है। और अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, बात करने की ऐसी कोई इसमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये जर्नी वैसे है भी तो क्या सिर्फ आपकी खुद ही खुद में खुद समझने की है ना। अब देखिए ये क्या होता है, मैंने कुछ मैक्सिमम ट्विन्स के साथ देखा है कि वो अपने ट्विन को बहुत ब्लेम करते हैं, है ना, ब्लेम करते हैं, हेट करते हैं कि भाई इसकी वजह से हुआ, उसने किया ये किया वो किया, सब करो ब्लेम। अपनी जो अंदर का ब्लेम है, हेट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कहते हैं ना लोग, कहते हैं अरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अगर उनने कुछ किया है तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी वजह से हो गया, ठीक है, इसको एस्केप गोटिंग कहते हैं ना। तो ये सब जो कुछ भी होता है सब करो, एक पेपर पर लिखो, ठीक है, ये सारी अपनी शिकायतें और जो तुम तारीफ भी करते हो, जो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, तो वो सब भी लिख लो एक पेपर पे। अब ये सब लिखा हुआ जाकर शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ो और बोलो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब वो आपका ट्विन आपका मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज है, अब आप उससे चाहे जितनी भी नफरत कर लो, जितनी भी शिकायतें कर लो, अरे तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसे हो वैसे हो, ठीक है, अब वो शीशे के सामने जाके खड़े हो तो भाई आप किसको बोल रहे हो, खुद को बोल रहे हो ना, खुद से नफरत कर रहे हो ना। बहुत से लोग अपने ट्विन के कैरेक्टर को ना गलत बोलते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं, तो वो शीशे के सामने जाके खड़े होके बोलो और फिर देखो कि ये मैं खुद को बोल रहा हूँ, ये मैं खुद को बोल रही हूँ। और डिवाइन यही चाहते हैं कि जितने भी भड़ास है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आप खुद से बोलो, वो तभी तो आपका मिरर है, आपको दिखाने आया है कि देखो तुम ऐसे हो, है ना। अब वो आपने कुछ बोला, अब वो देखो कि ये मैं इसको ब्लेम कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ब्लेम कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं खुद को ब्लेम कर रही हूँ, मतलब कि कुछ ना कुछ है ऐसा जो मैंने गड़बड़ की है, तभी हम इस सिचुएशन में गए हैं ना। और अगर हम किसी की तारीफ भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मैं खुद की ही तारीफ कर रहा हूँ, या तो वो चीज़ मेरे अंदर है ना, या तो वो कहीं मिसिंग है जिसको मुझको बाहर निकालना है ना। बहुत से लोग अगर अपने ट्विन की कुछ आपकी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं तो अगर आप क्वालिटीज़ लिखते हो बोलते हो तो क्या हो गया, वो क्वालिटी आपके अंदर है, भगवान इसलिए ट्विन को वो वाली क्वालिटीज़ हाईलाइट कर रहा है, भगवान ने इसलिए ट्विन की वो वाली क्वालिटीज़ हाईलाइट करके भेजी है ताकि आप समझ सको कि वो चीज़ तो आपके पास भी है, वो पोटेंशियल आपके अंदर भी है, वो चीज़ तो आप भी कर सकते हो, है ना। तो जैसे देखो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ इसी बात पे, अकबर बीरबल की स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, ऐसे अकबर थे, वो तो हमेशा ही बीरबल जी का टेस्ट लेते रहते थे उनकी बुद्धि का। तो उन्होंने क्या किया, जो अकबर थे उन्होंने एक लाइन लकीर ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लकीर ड्रॉ कर दी ज़मीन पर चौक से, और उन्होंने कहा बीरबल इस
लकीर को छोटी करके बताओ, पर तुम इसको ना मिटा सकते हो ना इसको छेड़ सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, पर इस लकीर को छोटी करके बताओ। और उनको बीरबल को चौक थमा दी उन्होंने अकबर ने। अब बीरबल सोचे कि जब मैं इसको मिटा नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इस लकीर को कैसे छोटी करूँ। तो बीरबल ने क्या किया, उसी चौक से वो जो पुरानी लकीर थी, पहली लकीर थी, उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दी उन्होंने, है ना। उससे क्या हुआ, बड़ी लकीर के बगल में वो लकीर अपने आप ही छोटी दिखने लगी, लेकिन जबकि उन्होंने उस लकीर की लेंथ कम नहीं करी थी, फर्स्ट वाली लकीर की लेंथ कम नहीं करी थी उन्होंने बीरबल ने क्या किया, बस एक दूसरी लकीर और बना दी जो पहली लकीर से थोड़ी लेंथ में ज़्यादा थी। तो इससे क्या हुआ, पहली वाली अपने आप छोटी लगने लगी। इससे जो पहली लकीर थी उसकी ये चीज़ हाईलाइट हुई कि भाई तुम तो कम हो, है ना, और जो दूसरी लकीर थी वो छोटी वाली के बगल में रखी है, इसलिए उसकी क्वालिटीज़ हाईलाइट हो रही कि भाई तुम तो लंबी हो, है ना। तो ऐसे ही ये ट्विन फ्लेम्स के साथ है, वो एक जो चीज़ आपके अंदर कम है वो उसमें ज़्यादा होगी, और जो आप में कम है वो मतलब उसमें ज़्यादा होगी ना, जो आप में कम है वो आपके ट्विन में ज़्यादा होगी, जो आपके ट्विन में कम है वो आप में ज़्यादा होगी। वो इसलिए ताकि हाईलाइट हो सके, है ना, हाईलाइट होगा तो फिर आपकी उस पर ध्यान जाएगा, नज़र जाएगा, वो चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस में आएगी। अब एक बात बताइए, जैसे मैच स्टिक्स होती हैं, माचिस की तिल्लियाँ, वो सब बराबर सेम ही हाइट की होती हैं, सेम साइज़ की होती है, सेम ही दिखती हैं, आप उसमें डिफरेंस नहीं पता कर सकते, आप उनमें कमियाँ नहीं ढूंढ सकते। पर अगर उसी के साथ आप किसी दूसरी चीज़ को रख दो, है ना, कोई बड़ी माचिस की तीली को रख दो या कोई सेफ्टी बन रख दो कुछ, तो दोनों की डिफरेंसेस पता लगने लगेंगे, है ना। इसलिए डिवाइन ने किया, आपको और आपके ट्विन को ऑपोजिट बना के साथ में रख दिया। अब आपको क्या करना है, जो भी आप, और अब आपके से बात कहाँ से करते हैं डिवाइन, आपके इमोशंस के थ्रू बात करते हैं और आपके ईगो के थ्रू बात करते हैं, क्योंकि इमोशंस जुड़े होते हैं आपके ईगो से, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बचपन से आपने जो 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 सीखा, जो 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 बोला, जो देखा करा, वो आपका ईगो बन गया, और उसी से आपके इमोशन जुड़े हुए हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके लिए फैमिली ही सब कुछ है, तो आपका इमोशन फैमिली में जुड़ा है, फैमिली आपका ईगो बन गया। पर बाई चांस वहाँ आपका ट्विन है जिसके लिए फैमिली कुछ भी नहीं है और फैमिली से उनका इमोशन नहीं जुड़ा है, तो वो क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया, है ना। तो ऐसे ये हमारे इमोशन से डिवाइन बात करते हैं, ठीक है। इमोशन अब पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, अगर और पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन सारे के सारे लिखो एज अ लेटर टू योर ट्विन के, ट्विन का जो भी नाम है या ट्विन करके, उनको सब कुछ लिखो, सारी पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें, है ना। अब ये सब चीज़ें आपको लग रहा है कि आप ट्विन से बोल रहे हो, नहीं, ये आप खुद को बोल रहे हो, क्योंकि ट्विन आपका मिरर इमेज है ना। तो मिरर के सामने खड़े होके ये सब चीज़ें बोलो, जब बोलोगे तो क्या होगा, ये चीज़ आपके कॉन्शियसनेस में आएगी, समझ में आएगी कि भाई ये चीज़ तो मतलब कि मुझको करेक्ट करनी है, या मेरे अंदर मिसिंग है, या मैं ओवरडू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या मैं कम कर रहा हूँ, या तो मेरे अंदर ये हिडन है या बहुत ज़्यादा हाईलाइट है ना। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि वो भाई मिरर है, मिरर के आप मिरर को भाई पकड़ नहीं सकते, मिरर को कुछ दे नहीं सकते, है ना, मिरर से कुछ ले नहीं सकते, बस मिरर में आप देख सकते हो, मिरर के सामने खड़े हो के जो भी आप बोलेंगे वो आप खुद के लिए ही बोलेंगे। अगर आप अपने ट्विन को इंसल्ट कर रहे हैं तो आप खुद को इंसल्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने ट्विन को अब्यूज़ कर रहे हैं तो आप खुद को अब्यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपने ट्विन को इग्नोर कर रहे हैं तो आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये मिरर चीज़ होती है, तो बस ये एक छोटा सा शॉर्टकट है, ये आप ज़रूर करके देखें, है ना। और एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ, अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो आपने वो अमिताभ बच्चन का वो वाला सीन बड़ा फेमस है कि जब वो शराब के नशे में होते हैं, शायद अमर अकबर एंथनी की मूवी का सीन है, या पता नहीं कौन सी मूवी का है, मुझे अमर अकबर एंथनी का ही लग रहा, जब वो शराब के नशे में होते हैं तो वो शीशे के सामने खड़े होके वो बड़ा लड़ाई झगड़ा करके आते हैं रोड से, श्री अमिताभ बच्चन जी, है ना, तो बड़ा लड़ाई झगड़े करके आते हैं गुंडे मवाले से, तो उनको काफ़ी चोट लग जाती है, बड़े वुंडेड हो जाते हैं वो, तो शराब के नशे में होते हैं तो वो शीशे के सामने खड़े होके शीशे के ऊपर बैंडेज चिपका रहे होते हैं, बैंडेज, है ना, और डेटॉल लगा रहे होते हैं, मतलब हील कर रहे होते हैं। पर वो सीन कितना फ़नी लगता है, और कितना बेवकूफ़ इंसान है, शीशे पे लगा के थोड़ी ना घाव ठीक होंगे, उसको तो खुद को लगाना चाहिए। आप सोचिए, ये बेवकूफ़ी लोग रियल लाइफ में कर रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ एक सीन के लिए किया था, पर ये
बेवकूफ़ी लोग अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम भाई अपने ट्विन को करेक्ट कर लें, ट्विन को हील कर दें, ट्विन की हेल्प कर दें तो कुछ हो जाएगा, या ट्विन को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई। अब फॉर एग्जांपल जैसे अमिताभ बच्चन जी लड़के आए हैं और शीशे में जाके बोले कि अरे तू क्यों लड़कर आया है, तू लड़के आया इस वजह से मुझे चोट लगी। तो भाई वो लड़के तो तुम खुद आए हो, शीशे के सामने खड़े होगे, कुछ भी बोलोगे आप खुद से बोल रहे हो, है ना। तो इसलिए अपने ट्विन से जो भी बोल रहे हो मतलब आप वो खुद से बोल रहे हो और उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको समझने वाली बात है, और ये वाली जो सीन है वो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से रखो। अगर ट्विन को भाई बदलना चाहते हो तो खुद को बदलो। ट्विन की कमियां दिख रही हैं तो मतलब तुम्हारे अंदर कमियां हैं। ट्विन की कुछ चीज़ हाईलाइट हो रही है तो मतलब तुम्हारे अंदर वो चीज़ दबी हुई है। ट्विन के अंदर कुछ दबी हुई है मतलब वो तुम्हारे अंदर हाईलाइट है, ओवरडू हो रहा है ना। तो जो भी है ये सब चीज़ों को ज़रा संभाल कर ध्यान में रखिए, और जो भी आप लिख रहे हैं शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बोलिए, है ना। अगर ट्विन से आप हेट भी करते हैं, उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब आप खुद को बोल रहे हैं, ट्विन के लिए अच्छा भी फील कर रहे हैं तो मतलब आप खुद के लिए कर रहे हैं, है ना। वो डिफरेंट नहीं है, आपके मन में डिफरेंट नहीं है वो, है ना। और बाहर तो जो 3D वर्ल्ड है वो तो है ही है, माया शुरू से ही माया है। 3D में हुआ कौन किसका सगा है आज तक, है ना। कोई किसी का नहीं हुआ, सब कुछ यहीं छोड़ कर जाना है आपको 3D में, तो कौन किसके लिए आया है ना। सब बचपन से लेके अभी तक ही सब अकेले करते हैं, आए अकेले ही करना है भाई। हम खाएंगे तो हम ही हेल्दी होंगे, ट्विन थोड़ी ना हेल्दी हो जाएगा भाई। ट्विन खाएगा तो वो ट्विन हेल्दी होगा। तो 3D में तो सब माया है और सब वो है, सब डिटैचमेंट में रहना है 3D में, और सब यहीं छोड़ कर जाना है ना। बस जो आपके मन में है, मन में जो आपकी इमोशंस आते हैं, अगर आप बाहर उसको, उससे कुछ नहीं है। आप वो जो उनको बोल रहे हो मतलब आप शीशे में खड़े होके खुद से बोल रहे हो, है ना। एक जो हो गया शीशा जो दीवार पर लगा हुआ होगा, पर ये आपका लाइफ का मिरर है ना, लाइफ का मिरर है। तो इसलिए ये एक तरीके का शॉर्टकट है, और इससे बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जब आप लिखने लगोगे ना, और लिखी हुई बात होगी, जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ फंसे पड़े थे, कौन से झूठ में फंसे पड़े थे आप, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो ये चीज़ें आप, ये थोड़ी सी टिप है, शॉर्टकट है, आप याद रखिए और फॉलो करके देखिए, ये ज़रूर आपको हेल्प करेगी, है ना। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मेरे चैनल पर बने रहने के लिए।